दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला 8 मार्च को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पे खेला जाएगा। ऐसे में दूसरे वनडे मैच में मिली करारी हार के बाद भारत अपनी प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव कर सकता है। तो क्या है पूरे बदलाव, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माई 11 सर्कल के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार ये ऐप है जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के ऊपर आप अपनी टीम बना के चैंपियन प्लेयर लाइक VVX लक्ष्मण के साथ खेल के आप अपने पैसे का 5 गुना अमाउंट यहां से विन कर सकते हैं दोस्तों। इस ऐप की लिंक आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। आपको यहां पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलने वाला है अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर और 1500 रुपये तक का बोनस भी आपको इस ऐप में साइनअप करने के साथ ही मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है मार्च का लीडर बोर्ड, जिसमें अगर आप टॉप आते हैं तो आपको 1 करोड़ का कैश प्राइज भी मिल सकता है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट योर ओन रिस्क। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। ऐसे में दोनों टीमें चाहेंगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर वह सीरीज अपने नाम कर सकें। अब यह मुकाबला इस तरीके से करो या मरो का मुकाबला हो जाता है, क्योंकि जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी सीरीज उसके नाम हो जाएगी। ऐसे में भारत एक तगड़ी प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले मैच में भारत को इंग्लैंड ने करारी शिकस्त दी थी। इंग्लैंड ने भारत को 336 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य केवल 46 ओवरों में ही हासिल कर लिया था। ऐसे में भारत अब और तगड़ी तैयारी के साथ उतरेगा। तो इस मैच में भारत 3 बड़े बदलाव करेगा दोस्तों। पहला बदलाव होगा जो कि कुणाल पांड्या के रूप में हो सकता है। दोस्तों बता दें कि कुणाल पांड्या ने पहले मुकाबले में एक तगड़ा 8 शतक लगाया था, मगर उनकी बॉलिंग लगातार खराब रही है। पहले मुकाबले में भी उन्होंने काफ़ी रन दिए थे और दूसरों मुकाबले में भी उन्होंने काफ़ी खराब गेंदबाजी की। ऐसे में भारत चाहेगा कि वह एक पूर्ण बल्लेबाज खिलाए, तो कुणाल पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव की वापसी हो सकती है। बात करें दोस्तों दूसरे बदलाव की, तो दूसरा बदलाव हो सकता है कुलदीप यादव की जगह यजुवेंद्र चहल की वापसी होना। कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों मुकाबलों में उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे में उनका बाहर जाना लगभग तय है। दोस्तों तीसरा और आखिरी बदलाव हो सकता है शार्दुल ठाकुर की जगह टी नटराजन की वापसी। बात करें शार्दुल ठाकुर की, तो ठाकुर ने पहले मुकाबले में तो ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने खूब रन लुटाए। ऐसे में नटराजन की वापसी हो सकती है, क्योंकि नटराजन ने पिछले कुछ समय से सीरीज में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो चाहे और उनके पुराने प्रदर्शन देखे जाएं, तो उनका एक अच्छा गेंदबाजी देखी जा सकती है। लेकिन शार्दुल ठाकुर, जिनको भारत एक बल्लेबाज के रूप में भी खिलाना चाहता था, क्योंकि उनके बल्लेबाजी भी आती है, ऐसे में नीचे वो बल्लेबाज भी बन सकते थे। मगर अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत एक लंबी चौड़ी बल्लेबाजी के साथ उतर रहा है। तो शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी का ज़्यादा जिम्मा संभालना पड़ता था, मगर गेंदबाजी उन्होंने काफ़ी ख़राब की पिछले मैच में, इसलिए टी नटराजन, जिन्होंने पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका आना लगभग तय है। तो आपके हिसाब से और कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर कर दें।